मेशी, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वाधीनता दिवस में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब जब इंडिपेंडेंस डे आ गया है तो कुछ ट्राइकलर डिश बनाना तो बनता ही है, तो चले बनाते हैं ट्राइकलर पनीर टिक्का। टिक्का बनाने के लिए एक बाउल में दही ली है, एक बाउल में धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी ली है। दही में हम डाल रहे हैं लाल मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर, और दोनों में डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून बेसन। और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे दोनों में। फिर हम चाट मसाला 1/3 टी स्पून डाल रहे हैं दोनों में। फिर डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट 1/2 टेबल स्पून दोनों में, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पनीर। 400 ग्राम हमने पनीर लिया है, जिसको 3 इक्वल क्वांटिटी में हमने डिवाइड कर लिया है। तो दो हिस्सा हम इसी दोनों बाउल में डाल देंगे, और एक हिस्से में हम नमक, चाट मसाला और अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के उसको मैरिनेट कर लेंगे। इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब आधा घंटे के बाद पैन गरम करके इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। पहले हम ग्रीन चटनी वाले जो पनीर है उसको बनाएंगे। हमें खास ध्यान रखना है कि उसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो, ग्रीन जैसा ही रहे, क्योंकि हमें ट्राई कलर टिक्का बना रहे हैं तो कलर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन कलर का हमने बना लिया है, अब ऑरेंज कलर का यानी सैफ्रन कलर का पनीर हम डाल देंगे। इसको भी देखिए, हमने सारे पलट लिया है और अच्छे कलर है ही इसमें रेड वाला, क्योंकि हमने फूड कलर ऑलरेडी डाल दिया था। तो इसको भी प्लेट में हम निकाल देंगे, और ये वाइट कलर वाले पनीर को हम हाई फ्लेम में बहुत जल्दी जल्दी उसको बना लेंगे, ताकि उसके कलर में बिल्कुल चेंजेस ना हो। देखिए, कलर का ध्यान रखते हुए सैफ्रन ग्रीन एंड वाइट कलर के पनीर हमने बहुत अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे फ्लैग की तरह। तो इंडिपेंडेंस डे में आप इस तरह चटपटा पनीर टिक्का बना के सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और आज के लिए जय हिंद।